वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है। इसी बीच भारत दुनिया के कई देशों का मददगार बनकर उभर रहा है। भारत में बनने वाली मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कोरोना से लड़ने में कारगर मानी जा रही है। इसी को देखते हुए सभी देश इसकी मांग कर रहे हैं और भारत सभी की मदद कर रहा है। पीएम मोदी ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा अमेरिका, ब्राजील के बाद इजराइल को भी दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन समेत 5 टन सामग्री भिजवाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। नेतन्याहू ने गुरुवार शाम को ट्वीट किया, इजराइल को क्लोरोक्वीन भेजने के लिए शुक्रिया मेरे नरेंद्र मोदी। इजराइल के सभी नागरिक आपका धन्यवाद अदा करते हैं। इजराइल में करीब 10,000 लोगों को इस कोरोना संक्रामक रोग ने अपनी चपेट में ले लिया है और 86 लोगों ने जान गंवा दी है। 121 अन्य लोग गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर हैं। भारत में तबलीगी जमात के लोगों की लापरवाही के चलते इस वायरस का प्रसार कई ऐसे इलाकों में भी हो गया है जहां कुछ दिन पहले तक इसका नामो निशान तक नहीं था। यही वजह है कि अब विभिन्न राज्यों की सरकारें तबलीगियों पर शिकंजा कस रही हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुलिस ने 64 विदेशी और 10 देसी जमातियों पर मामला दर्ज किया है। विदेशों से आए इन जमातियों ने भोपाल पहुंचने पर स्थानीय पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी। साथ ही लॉकडाउन के दौरान शासकीय आदेशों को भी नहीं माना था। विदेशों से आई जमात पर आरोप है कि यह सभी बिना किसी सूचना के भोपाल में डेरा जमाए हुए थे। एक तरफ पूरी दुनिया जहां कोरोना महामारी से निपटने के लिए संसाधनों की कमी से जूझ रही है, वहीं खीरी जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने चिकित्सा, सफाई और पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए PPE किट तैयार किया है, जिसे विशेषज्ञों की राज्य स्तरीय बोर्ड ने गुणवत्तापूर्ण बताकर मंजूरी दे दी। प्रदेश का यह पहला जिला है जहां समूह की महिलाओं ने PPE किट तैयार कर राज्य सरकार का ध्यान खींचा है। एक PPE किट की अनुमानित कीमत ₹550 रखी गई है, जिसमें महिलाओं की पारिश्रमिक भी शामिल है। फिलहाल महिलाओं द्वारा तैयार PPE किट सबसे पहले जिले के कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा, इसके बाद ही प्रदेश के अन्य जिलों के लिए राज्य सरकार को PPE किट बेची जाएगी।